आज हम लोग बात करेंगे 16 बेस्ट फ्री एआई टूल्स के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स एआई चैट जीपीटी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं 16 बेस्ट फ्री एआई टूल्स के बारे में। किसके लिए है ये? कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, प्रोडक्टिविटी अगर आपको अपनी बढ़ानी है, इफ़ यू आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर या इवन इफ़ यू आर अ टेक एंथुसियास्ट, दीज आर सम ऑफ द फ्री टूल्स दैट यू शुड नो। और मैं यहाँ पर जो भी टूल्स बता रहा हूँ वो सब एब्सोल्युटली फ्री है, उनके पेड वर्जन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो दिन के ट्रायल के बाद वो आपसे पैसे मांगेंगे। वो आपको अपग्रेड के लिए पैसे मांगेंगे, लेकिन उसमें फ्री क्रेडिट्स भी आपको मिल जाएंगे जो हर महीने रिन्यू होते रहते हैं। तो वो ट्रायल वाली टोपी मैं आपको नहीं पहनाऊंगा और मैं ब्रीफली सारे टूल्स को डिस्कस करूंगा। अगर मैं डिटेल रिव्यू करने लग जाऊं तो मैं पोस्टमार्टम कर देता हूं रिव्यू के टाइम पर, तो वीडियो ये एक घंटे के ऊपर भी लंबा हो जाएगा। एंड आई नो बहुत सारे लोगों का टाइम स्पैन उतना नहीं होता है कि वो उतनी अटेंशन यहाँ पे दे पाए, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितना शॉर्ट हो सके, जितना ब्रीफ हो सके वो मैं दे दूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सब के डिटेल्ड रिव्यूज़ आपको मेरे ब्लॉग पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो जिनको इंटरेस्ट है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। रेलिवेंट लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने AI टूल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइटिंग टूल्स के बारे में। द नंबर वन टूल इज ChatGPT। मुझे नहीं लगता इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है, और अगर अभी आप लोग इस टॉपिक को देख रहे हो बेस्ट फ्री AI टूल्स को, तो शायद से आपको ChatGPT के बारे में ऑलरेडी पता होगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल AI टूल्स। इसकी वजह से ही सारे AI टूल्स यहाँ पे पॉपुलर हुए हैं। एंड नहीं पता है आपको तो इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखा है, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। पहले वाला वीडियो जाके देखो, इसको बंद करो, वो इंपॉर्टेंट है, पहले उसको समझो फिर आओ इस पे। सेकेंड AI राइटिंग टूल इज कॉपी AI। ये फ्री में आपको मिल जाता है, 2000 वर्ड्स पर मंथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये एक AI राइटिंग टूल है। इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करना इसको सिंपल है। यहाँ पर आप लोग इस पे लॉगिन कर लो, अकाउंट बना लो अपना, एंड देन यहाँ से जो भी आपको चाहिए, जैसे अगर एड कॉपी चाहिए तो यू कैन राइट फॉर समथिंग लाइक दिस, कि ठीक है क्या है, फूड फॉर गोल्ड फिश, और इसमें क्या है, हेल्दी फूड, एंड देन ये मुझे उसके हिसाब से एक जनरल एड कॉपी जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज़ फ्री। और ये रही मेरी एड कॉपी, आ गई इस तरीके से। एंड देन जो भी आपका यहाँ पर काम है, ब्लॉग की आउटलाइन बनानी है, ब्लॉग का इंट्रो लिखना है, सोशल मीडिया के लिए कुछ आपको करना है, उन सब के आपको टूल्स मिल जाएंगे, कैप्शन वगैरह करना है, ईमेल्स के लिए यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे, सेल्स कॉपी, तो ये सारे प्री डिफाइंड टूल्स रहते हैं, तो ये आपका काम थोड़ा आसान बना देते हैं। इसी तरीके से एक और फ्री में टूल है, वो है राइटर। इसकी मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो इसकी में भी आपको 10,000 कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, मतलब 2000 वर्ड्स के आसपास यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यूज़ करना अगेन ईजी है, अकाउंट बना लो अपना, फ्री में अकाउंट बन जाता है। यहाँ से यूज़ केस में आप लोग अगेन यूज़ केसेस, आपका जो भी यूज़ केस है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ईमेल लिखना है तो ईमेल सिलेक्ट कर दो, क्या आप की पॉइंट रहेंगे, वेकेशन फॉर 7 days, 2 variants, राइट फॉर मी, एंड ये आपको आउटपुट दे देगा। इसका यूज़र इंटरफेस मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है कम्पेयर टू कॉपी AI, बट लॉन्ग फॉर्म के लिए कॉपी AI थोड़ा मुझे बेटर लगा है। ये इसने मुझे यहाँ पे आउटपुट दे दिया है। अगली कैटेगरी है AI कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इफ़ यू आर अ ब्लॉगर, इफ़ यू आर इनटू SEO, अगर आप लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हो तो AI कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आपके आर्टिकल में होना चाहिए। एक काफ़ी पॉपुलर टूल है सर्फर SEO, लेकिन वो पेड है। उसका एक फ्री ऑल्टरनेटिव भी है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, दैट इज़ MarketMuse। ये फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएगी 10 queries per month, मतलब आप लोग यहाँ पे 10 articles को AI के थ्रू ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्या होता है, कैसे वर्क करता है सब बताता हूँ मैं। अपना अकाउंट बना लो फ्री में, इस तरीके से आप लोग लॉगिन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे जाना ऑप्टिमाइज पे, देन जो भी आपका मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं अपना आर्टिकल लिख रहा हूँ बेस्ट डॉग फूड फॉर गोल्डन रिट्रीवर, कौन सी कंट्री में मुझे रैंक कराना है, मुझे कराना है इंग्लिश में, US में, तो यहाँ पर मैंने US सेलेक्ट करके रखा है। अगर इंडिया के लिए लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, एंड देन रन। तो अब यहाँ पर रिजल्ट आ गए मेरे पास। ये इसने रिसर्च करके मुझे कीवर्ड्स दे दिए जो मुझे अपने आर्टिकल में इंक्लूड करने चाहिए। ये कीवर्ड्स कहाँ से हैं? बेस्ड अपॉन द टॉप 10 articles जो भी इस कीवर्ड के लिए अभी रैंक कर रहे हैं फॉर दिस वन, उसमें से जो जो आर्टिकल्स इसने पढ़े उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोगों ने यूज़ किए हैं, एंड देन उसके हिसाब से कि रेलिवेंट कौन सा रहेगा इस आर्टिकल के लिए, यहाँ पर इसको शॉर्टलिस्ट करके इसने बता दिया कि ये वाला जो कीवर्ड है जैसे गोल्डन रिट्रीवर, वो लोगों ने 10+ बार यूज़ किया अपने आर्टिकल्स में, सो दैट्स द यूजुअल अमाउंट दैट यू शुड बी यूजिंग इट। और कितने वर्ड्स को आना चाहिए, एवरेज है 2651, एंड देन योर टारगेट शुड बी अराउंड 3000। ये आपको दे देता है, जैसे अब मेरा ये आर्टिकल है जो मैंने लिख लिया है, एंड देन इसके हिसाब से मुझे बता देगा कि गोल्डन रिट्रीवर आपने कितनी बार यूज़ किया है, एंड देन कितने आपको यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि जो आपका स्कोर है वो थोड़ा बढ़ जाए। अभी मेरा यहाँ पे स्कोर 9 है,
आई विल ट्राई कि वो 44 के तो ऊपर ही रहे. एंड ये जो भी टॉपिक्स है मैं उसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक भी लिख सकता हूँ, जैसे आई कैन टॉक अबाउट रॉ फूड, अमेरिकन फीड कंट्रोल ऑफिशियल, ओमेगा फैटी, न्यूट्रिशनल नीड्स के ऊपर मैं एक पूरा टॉपिक लिख सकता हूँ यहाँ पर. तो इस तरीके से आपको टॉपिक भी सजेस्ट कर देगा. एंड इफ यू वॉन्ट मोर रिलेवेंट कीवर्ड, जैसे मैं गोल्डन रिट्रीवर पर क्लिक करूँगा तो मुझे उसके और वेरिएशन भी दे देगा, दैट आई कैन इंक्लूड इन माई आर्टिकल. ओवरऑल इट्स अ मस्ट हैव टूल फॉर ऑल द ब्लॉगर्स. मैं इसको यूज करता हूँ अपने ब्लॉग्स के लिए भी. मेरे पास इसका पेड वर्जन है, लेकिन आप लोग फ्री में स्टार्ट कर सकते हो. 10 क्वेरीज पर मंथ मेरे हिसाब से सफिशिएंट है फॉर मोस्ट ऑफ द यूजर्स आउट देयर. नाउ बिफोर आई जंप ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, अगर आपको डिटेल्ड लिस्ट चाहिए और भी टूल्स जानने हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मेरे ब्लॉग पोस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पर हम लोगों ने रिसर्च किए हैं ऐसे टूल्स को जो भी फ्री में अवेलेबल है एंड रेगुलरली वो अपडेट भी होते हैं. तो अगर आपको चाहिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, नया नया माल चाहिए तो जाके लिंक देख लो. नेक्स्ट कैटेगरी है एआई इमेज क्रिएशन की. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देते हो आप एंड उसके हिसाब से इमेज बन के आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है पांडा वेविंग फ्रॉम स्पेस एंड फ्लोटिंग हैप्पीली विद अ स्पेस सूट. अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो अब मेरी यहाँ पर इमेज बन के आ जाएगी. फ्री में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग का इमेज क्रिएटर. यहाँ पर आपको 100 क्वेरीज पर डे मिल जाती है और ये 100 क्वेरीज अगर खत्म हो गई तो भी आप लोग जनरेट कर सकते हो, लेकिन आउटपुट फिर थोड़ा स्लो आएगा. और ये सब कुछ मैंने यहाँ पे जनरेट किया था पहले. ये सारी इमेजेस मैंने इसी से ही बनाई हैं, जैसे दिस वन एंड इंटीरियर्स की डिज़ाइन बनाई है. ये पांडा की मेरी इमेज आ गई है वेविंग फ्रॉम स्पेस हैप्पी, और अच्छी इमेजेस दे देता है ये. उसी तरीके से फीमेल की इमेजेस मैंने बनाई है फॉर CGI करके, एंड दिस इज़ अनदर गुड वन. और ये इंटीरियर भी मैंने यहाँ से कोशिश किया था. तो इमेजेस फ्री में काफ़ी अच्छा है, फ्री में 100 आपको यहाँ पर क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं पर डे. नेक्स्ट ऑप्शन है डॉल ई भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 15 क्रेडिट्स मिलते हैं पर मंथ. और इफ़ यू वांट, ये आता है ओपन एआई की तरफ से जिसने चैट जीपीटी भी बनाया है, लेकिन इस पर आपको फ्री में बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं मिलती है, सिर्फ 15 है. तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन. मेरे हिसाब से तो बेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट का इमेज क्रिएटर. एआई आर्ट नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन डिस्कस करें, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा. बिफोर आई जंप ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अलॉट. अब बात करते हैं डिजाइन टूल्स के बारे में. जो सेवन्थ है हमारी लिस्ट में वो है कैनवा. कैनवा एआई, कैनवा इज अ वेरी पॉपुलर डिजाइन टूल, डोमिनेट कर रहा है ये ऑनलाइन डिजाइन इंडस्ट्री को. रिसेंटली इन्होंने कैनवा क्रिएट का एक इवेंट किया था जहाँ पे कैनवा एआई में बहुत सारे फंक्शंस इन्होंने लॉन्च किए थे. कैनवा एआई में फ्री में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, अब मैं वो आपको बता देता हूँ. पहला मिलता है यहाँ पर एआई राइट, जैसे गूगल डॉक्स है वैसे ही कैनवा डॉक्स भी आ चुका है, जिसमें आप लोग एआई की हेल्प से लिख सकते हो अपने आर्टिकल को, अपने डॉक्यूमेंट को. एआई इमेजेस यहाँ पर आ चुकी है, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया वैसे ही प्रॉम्प्ट देकर के इमेजेस जनरेट करी जा सकती है. मैजिक डिज़ाइन है एंड ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती है ऑन कैनवा. इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है कैनवा एआई से रिलेटेड, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा. कैनवा यूज़ करते हो तो वो देख लो, फ्री में बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी ऑन कैनवा. नेक्स्ट डिज़ाइन टूल है विसली एआई. ये फ्री में अवेलेबल है, इसका पेड वर्जन अभी तक नहीं है, बट फ्री में ये काफ़ी कुछ दे रहा है एंड पेड वर्जन हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, लेकिन फ्री वर्जन अभी जो एट प्रेजेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये वायर फ्रेम्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको अपने ऐप की डिज़ाइन बनानी हो, वेबसाइट की डिज़ाइन बनानी हो तो यू कैन डू दैट. जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ एंड देन आई विल सेलेक्ट कि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, वेब ऐप बनाना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, पर्सनल वेबसाइट है या ई कॉमर्स है. जैसे अगर मैं यहाँ पे ई कॉमर्स सेलेक्ट कर देता हूँ एंड देन आई क्लिक स्टार्ट डिज़ाइनिंग नाउ, तो ये यहाँ पर इसने टेम्पलेट बना दिए, मेरी डिज़ाइन बना दी है. मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको एडिट कर सकता हूँ, मुझे क्या डालना है, कैसी इमेजेस डालनी है, वो सब यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ. तो जैसे स्केच वगैरह काम करता है वैसे ही करेगा ये. अब इसमें एआई का क्या रोल है, एआई मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर एआई यहाँ पर आता है. जो मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा है वो है स्केच टू डिज़ाइन. अगर आपने स्केच बनाया है, जैसे यहाँ पर आपको अपना स्केच अपलोड कर देना है एंड देन उस स्केच के हिसाब से वो आपका प्रोटोटाइप बना देगा, जिसको आप लोग एडिट भी कर सकते हो. और यहाँ पर स्क्रीनशॉट टू डिज़ाइन भी है कि आपको यहाँ पर कोई एक ऐप पसंद आ गया, कोई वेबसाइट पसंद आ गई, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया एंड उस स्क्रीनशॉट से वो आपके एक डिज़ाइन बना देगा एंड उस डिज़ाइन को भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो. अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो है प्रोडक्टिविटी टूल्स. जो इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा है वो है नोशन. नोशन एक प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्टिविटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नोशन एआई को. यहाँ पर आपको 20 क्वेरीज पर मंथ फ्री में मिल जाती है. इससे आप लोग क्या क्या कर सकते हो ये मैं आपको डेमो दे देता हूँ. तो ये रहा मेरा नोशन का पेज. यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया, आस्क एआई पे क्लिक करके आई कैन इम्प्रूव द राइटिंग. मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ शॉर्टर लॉन्गर, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एआई की हेल्प से. तो यहाँ पर इसने मुझे शॉर्ट करके दे दिया है, तो इफ़ आई वांट आई कैन जस्ट रिप्लेस इट. और अगर मुझे एआई को यूज़ करना है बिना किसी टेक्स्ट के, वो भी कर सकता हूँ. आई विल टाइप स्पेस एंड देन आई विल राइट माई कमांड, जिसे मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ. तो आई विल से एक्सप्लेन नोशन टू मी लाइक 5 ईयर ओल्ड.
तो वो नोशन मुझे एक्सप्लेन कर देगा. नोशन इज़ अ बिग नोटबुक वेयर यू कैन राइट डाउन ऑल योर आइडियाज़ एंड प्लान्स. यू कैन ऑल्सो मेक पिक्चर्स, चेकलिस्ट. तो इसने काफ़ी ईजी और सिंपल टू लैंग्वेज में मुझे एक्सप्लेन कर दिया है. या इनफैक्ट आई कैन इवन यूज़ दिस टू राइट आउटलाइन. राइट मी अ ब्लॉग आउटलाइन ऑन टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ये मुझे ब्लॉग आउटलाइन भी लिख के दे देगा. अब हम लोग बात करते हैं AI वीडियो टूल्स के बारे में. नंबर 10th ऑन आवर लिस्ट इज़ YouTube डाइजेस्ट. ये आपको समरी दे देता है आपके YouTube वीडियोस की. ये एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है ये. तो ये मेरा YouTube वीडियो है. इसमें जो एक मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि जो सबटाइटल्स है वो आपके इंग्लिश में होने चाहिए. जैसे मेरा ये वाला वीडियो, तो आई कैन क्लिक समराइज एंड देन इस वीडियो के सबटाइटल्स के बेसिस पे वो मुझे समरी दे देगा कि जो मैंने इसको यहाँ पे बोला है. और यहाँ पे मैंने सेटिंग्स क्या करके रखी है कि मुझे आप बुलेट पॉइंट्स में दे दो. नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट शुड बी 8. तो वो ये मुझे दे देगा. इंट्रोडक्शन, फ्री पेड, गुड AI कंटेंट डिटेक्टर्स, ठीक है, कैन बी हायरिंग कंटेंट एंड यूजिंग AI डिटेक्टर्स, कैन ऐड ह्यूमर, ठीक है. कॉपी लीक्स, ये आ गए मेरे लिस्ट. कॉपी लीक्स का फ्री प्लान भी है, पेड प्लान भी है. तो ये मुझे यहाँ पर दे देगा समरी. समरी में मुझे तो सबसे अच्छा लगा है. इसमें आप लोग यहाँ पर इसके थोड़े से पॉइंट्स बढ़ा सकते हो. 8 मुझे ऐसा लगता है कि कम है. यहाँ यू कैन जस्ट से समराइज द वीडियो एज अ सिंगल पैराग्राफ अगर बहुत बड़ा है तो. नेक्स्ट वीडियो टूल है हमारे पास ल्यूमन 5. ल्यूमन 5 में आपको क्या करना है, आपका जो भी आर्टिकल है उसका लिंक डाल देना है एंड उस आर्टिकल के बेसिस पर ये आपको एक वीडियो बना के दे देगा. फॉर एग्जांपल एक कैनवा टिप्स का आर्टिकल है, मेरी वेबसाइट का है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया एंड देन उसके बाद इसने ये जो वीडियो है मुझे ऑटोमेटिकली बना के दे दिया है. आई कैन प्रीव्यू इट कि इसने कैसा बनाया है, इज इट रेलिवेंट, वर्क ऑन थ्रू लेयर्स एंड इट लुक्स गुड. इसको मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ. मैं इसका साइज, आई कैन चेंज द फॉर्मेट कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, स्टोरी चाहिए, वर्टिकल चाहिए. फिलहाल मैंने वर्टिकल सेलेक्ट किया है तो ये मेरे पास आ गया है. इसके बाद आई कैन ऐड माई वॉइस ओवर ऑल्सो. तो अगर आपको अपने आर्टिकल्स को या फिर किसी के भी आर्टिकल्स को इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन अ वीडियो तो ये आप यूज़ कर सकते हो. फ्री वर्जन में 720p आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट के टाइम पे यहाँ पे वाटरमार्क रहेगा ल्यूमन 5 का. अगर आपको वो वाटरमार्क हटाना है देन यू विल नीड टू पे. अब बात करता हूँ कोडिंग टूल के बारे में. जो AI कोडिंग टूल है हमारे पास वो है AskCodi. यहाँ पे मैं स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करता हूँ. फ्री में यहाँ पर आपको 100 क्वेरीज पर मंथ मिल जाती है एंड अभी यहाँ से हम लोग एक कोड बनाएंगे. एप्लीकेशंस पे जाता हूँ मैं. एप्लीकेशंस पे मुझे क्या चाहिए, आई विल से वर्डप्रेस जनरेटर, ऐप डेवलपमेंट, ऐप हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे. मुझे क्या चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. मुझे एक ऐसा चाहिए कि नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर कलेक्ट करे यूज़र से एंड देन आउटपुट करे उसको JSON पे टू द सर्वर. आई विल क्लिक जनरेट. तो यहाँ पर है मेरा कोड आ चुका है. ये रिएक्ट नेटिव पर है. यहाँ पर इसने यूज़र नेम और फ़ोन नंबर ये सब ले लिया है एंड देन उसके बाद ये फेच मेथड से पोस्ट किया जा रहा है. मतलब JSON क्वेरी यहाँ पर सेंड की जा रही है. और यहाँ से आप लोग लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो. रिएक्ट, जावा, डार्ट, फ्लटर, जिसमें भी लिखना है वो आपको यहाँ पर बेसिक कोड लिख के दे देगा. अब बात करते हैं AI टूल्स के बारे में. जो सबसे पहला टूल है मेरे पास वो है Adobe Podcast. यहाँ पर आपको इसका बीटा एक्सेस अभी नहीं मिलेगा बट फ्री में जो एक्सेस है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. विच इज़ इन क्विक टूल्स पे जाना है आपको. एनहांस स्पीच पे यहाँ पे यू कैन अपलोड योर फाइल और ये आपकी बैकग्राउंड जो नॉइज़ है उसको रिमूव कर देगा. फॉर एग्जांपल लेट्स हियर दिस. तो बैकग्राउंड नॉइज़ को हटा देगा एंड जो भी इको आ रहा है उसको भी रिमूव कर देगा. देन नेक्स्ट जो टूल है वो है लाला AI. यहाँ पर क्या करेगा ये आपके जो भी म्यूज़िक है उसमें से इंस्ट्रूमेंट को अलग कर देगा. पियानोस, ड्रम्स एंड जो वोकल्स है उसको भी अलग कर देगा. फॉर एग्जांपल ये सैम्पल है तो इसमें से अगर मुझे वोकल अलग करना है so hard, तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी क्रिएटिव विद द म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो तो यू कैन यूज़ दिस टूल. फ्री प्लान में आप लोग 10 मिनट्स तक की ऑडियो अपलोड कर सकते हो. इसी में आपको वॉइस क्लीनर भी मिल जाएगा. अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज वगैरह हटानी हो तो यू कैन यूज़ दिस टूल. अब बात करते हैं कुछ बिजनेस टूल्स के बारे में. जो सबसे पहला है वो है डोमेन GPT. ये आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस के लिए डोमेन नेम लेने के लिए या फिर उसका नेम डिसाइड करने के लिए भी. यहाँ पर आपको 10 क्रेडिट्स फ्री में मिल जाते हैं. इसका मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ. AI डोमेन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में सारे यहाँ पर जितने भी फंक्शन है वो सब एक्सप्लेन करे थे. वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा. मैं अभी क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ब्रांडेबल नेम चाहिए मेरे वेबसाइट के लिए. आई विल क्लिक क्या चाहिए मुझे. मुझे चाहिए अबाउट माई वेबसाइट ब्लॉग अबाउट डॉग फूड्स, हेल्दी डॉग फूड्स. यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन दे दो अपने बिजनेस का. जैसे मैंने कहा कि मेरा एक ब्लॉग है अबाउट हेल्दी डॉग फूड्स. आई विल क्लिक नेक्स्ट. इसके बाद कितना क्या क्या करना है आपको, मुझे कौन कौन से डोमेन चाहिए. मैंने कहा कि आप .net भी देख लो, आप .io भी देख लो. अच्छा मैं अभी सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ तो आई विल सिलेक्ट कि मुझे चाहिए .com में. लेट्स सिलेक्ट. तो इसने यहाँ पर मुझे अच्छे नाम दे दिए, होलसम पब एंड केबल किचन
एंड नेचर, स्नैक टाइम, तो कुछ अच्छे ऑप्शन दे दिए हैं। और अगर आपको यहाँ पर कुछ और सी सेटिंग्स चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल जो दूसरे हैं रैंडम पे, टू वर्ड कॉम्बिनेशंस पे एंड ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स पे, आपको कुछ और भी यहाँ पर अच्छे और यूनिक नाम ये सजेस्ट कर देता है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टूल है ये। लास्ट टूल है हमारे पास Namelix का बिजनेस नेम जनरेटर। ये आपको बिजनेस का अगर नाम रखना है तो उसमें हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पर डाल दिया है हेल्दी डॉग फूड, आई क्लिक जनरेट, नेम स्टाइल ऑल स्टाइल्स, नेक्स्ट रैंडम स्लो मीडियम मीडियम, ठीक है, नेक्स्ट ब्रांड इन्फो जनरेट। एंड ये इसने मुझे यहाँ पे नाम सजेस्ट कर दिए हैं, पेट वेलनेस, होलसम एंड शिपलेस, तो अलग अलग इसने मुझे दे दिया है, नर्चरिश ये भी अच्छा नाम है, पप फार्म, तो अच्छे इसने मुझे यहाँ पे नाम सजेस्ट किए हैं। अब इसका डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं है वो आपको सर्च करना पड़ेगा, बट अगर आपको सिर्फ बिजनेस का नाम चाहिए डोमेन नेम, यू कैन हैव अ डिफरेंट वन, तो यू कैन यूज़ दिस टूल। तो ये थे 16 फ्री AI टूल्स। मेरा जो फेवरेट था वो था डोमेन GPT। आपका कौन सा फेवरेट था डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर अगर आपको कोई और टूल पता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि जो दूसरे लोग वीडियोस देख रहे हैं इन फ्यूचर उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।